इकोनॉमिक्स वर्चुअल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आज हम मुद्रा का इतिहास के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। मुद्रा का इतिहास के अंतर्गत हम सबसे पहले मुद्रा का विकास के बारे में जानेंगे, मुद्रा का रोचक इतिहास, दुनिया में सिक्कों के चलन का इतिहास, कागजी मुद्रा की शुरुआत, भारत में मुद्रा का रोचक इतिहास, मुद्रा की रोचक जानकारी और अंत में वर्तमान समय में मुद्रा के विभिन्न प्रकारों के उपयोग आदि का अध्ययन करेंगे। मुद्रा का इतिहास जानने से पहले हम मुद्रा का विकास के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बार्टर सिस्टम, जिसको हम वस्तु विनिमय कहते हैं, उससे वस्तुओं का आदान प्रदान की प्रक्रिया आरंभ हुई। उसके बाद लोगों ने गोल्ड के माध्यम से, जिसको हम सोना कहते हैं, सोने के टुकड़े के माध्यम से व्यापार करना आरंभ किया। उसके बाद मेटल क्वाइंस, धातु की मुद्राओं में व्यापार हुआ। सोना, चांदी, कांसे तथा मिक्स धातुओं में व्यापार होने लगा। उसके बाद पेपर करेंसी का जन्म हुआ। पेपर करेंसी का मतलब कागजी मुद्रा। इसे वर्तमान युग में भी सभी देश इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद प्लास्टिक कार्ड्स, जिसको हम क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स बोलते हैं, उसके माध्यम से आज अधिकतर व्यापार लोगों के द्वारा किया जाता है और लोग वस्तु खरीदने के बाद प्लास्टिक कार्ड का प्रयोग मुद्रा के भुगतान में करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मनी, वर्तमान समय इलेक्ट्रॉनिक मनी का युग है, जिसमें अधिकांश लोग अपने प्लास्टिक कार्ड या अपने अकाउंट के माध्यम से, बैंक अकाउंट के माध्यम से वस्तुओं को जो खरीदते हैं उसका भुगतान इलेक्ट्रॉनिक मनी के माध्यम से करते हैं। उसके बाद आती है क्रिप्टो मनी करेंसी, जो वर्तमान युग में इसको वर्चुअल करेंसी भी कहा जाता है और इस करेंसी को आप अपने अकाउंट में भी सेव कर सकते हैं वर्चुअल के रूप में और इसका भुगतान भी आप वर्चुअल के रूप में कर सकते हैं। तो आपने देखा कि यह था मुद्रा का विकास, मुद्रा का रोचक इतिहास। मुद्रा का प्रयोग ईसा से 600 से 700 वर्ष पूर्व सिक्कों के रूप में हुआ। ऋग्वेदिक काल में मुद्रा के रूप में गाय का उपयोग किया जाता था। मुद्रा शब्द लैटिन शब्द मोनेटा से लिया गया है, जिसका अर्थ है रोमन देवी, जूनो अथवा मोनेटा। इसलिए पहली टकसाल रोम में मोनेटा देवी के मंदिर में स्थापित की गई। धीरे धीरे यह शब्द मिंट अथवा टकसाल मुद्रा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हो गया। मुद्रा के अस्तित्व में आने से पहले वस्तु विनिमय प्रणाली पाई जाती थी। वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तुओं तथा सेवाओं का मुद्रा के बिना प्रयोग होता है। वर्तमान में सभी देश किसी भी वस्तु का लेन देन करने के लिए मुद्रा का उपयोग करते हैं। हर एक देश की अपनी मुद्रा होती है, जो उस देश में क्रय विक्रय के लिए उपयोग होती है। जैसे अपने देश भारत में रुपए की मुद्रा का इस्तेमाल किया जाता है, अमेरिका में डॉलर, इंग्लैंड में पाउंड्स, यूरोपियन देशों में यूरो, सऊदी में दिनार, ये सभी मुद्राएं उन देश की मान्य मुद्राएं होती हैं। हर मुद्रा की अलग अलग वैल्यू अथवा कीमत होती है और यही कीमत उस देश की अर्थव्यवस्था पर निर्भर होती है। जैसे कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है, जिससे डॉलर की वैल्यू अथवा कीमत अन्य देशों की मुद्राओं से बहुत ज्यादा है। दुनिया में
सिक्कों के चलन का इतिहास। दुनिया में सिक्कों के चलन का इतिहास विश्व का सबसे पुराना सिक्का या मुद्रा लीडिया में बना था। यह ईसा पूर्व छठी शताब्दी का समय था जब यह मुद्रा लीडिया में चलन में थी। यह मुद्रा अलेक्स्ट्रम धातु की बनी थी। यह सिक्का आज से करीब 2700 वर्ष पुराना माना जाता है। सिक्कों के उपयोग से वस्तुओं का लेन देन करने में आसानी होने लगी, जिस कारण इनका उपयोग बढ़ता ही गया और ये बहुत जल्दी लोकप्रिय हो गए थे। कागजी मुद्रा की शुरुआत। कागजी मुद्रा की शुरुआत चीन में मानी जाती है। तकरीबन 800 ईस्वी में पेपर करेंसी, जिसको हम कागजी मुद्रा कहते हैं, चीन में सामने आई थी। कागजी मुद्रा को कहीं भी ले जाने में सुविधा होती है, इसलिए कागजी मुद्रा की आवश्यकता पड़ी। भारत में मुद्रा का रोचक इतिहास। भारत में सिक्कों का चलन बादशाह शेरशाह सूरी ने आरंभ किया था। ये सिल्वर अथवा चांदी का सिक्का था, जिसको रुपए कहा गया। 1918 से 1959 तक भारत में दो तरह की मुद्राएं चलन में थी, एक तो हैदराबादी रुपए और एक भारतीय रुपए। बाद में हैदराबादी रुपए को बंद कर दिया गया और तब से अब तक केवल भारतीय रुपए ही चल रहा है। रुपए केवल भारत की ही नहीं, और कुछ देशों की मुद्राएं भी हैं। इन देशों में पाकिस्तान, श्रीलंका, मॉरिशस, नेपाल, शैलेश, मालदीव और इंडोनेशिया आते हैं। भारत विभाजन से पहले भारत में कई प्रकार के सिक्के प्रचलित थे, जैसे दमड़ी, हैला, टका, पाई, आना, दमनी, चवन्नी, अठन्नी और रुपए के सिक्के प्रचलन में थे। छेद वाला सिक्का तथा चमड़ी के सिक्के भी प्रचलित थे। कागजी मुद्रा की शुरुआत भारत के संदर्भ में। भारत में कागजी मुद्रा का आरंभ अंग्रेजों के शासनकाल में ही आरंभ हो गया था। आज भारत में 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500 और 2000 रुपए के नोट चलन में हैं। 8 दिसंबर 2016 को 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट आरबीआई के द्वारा बंद कर दिए गए थे, जिससे 500 और 2000 रुपए के नए नोट अस्तित्व में आए थे। कुछ समय पहले सन 2013 में कुछ शहरों में, जैसे जयपुर, शिमला, मैसूर, भुवनेश्वर आदि शहरों में प्लास्टिक के नोट भी चलाए गए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी में लकड़ी की मुद्राएं भी चलाई गई थी, जो इमरजेंसी उपयोग के लिए थी। जिम्बाब्वे की मुद्रा का अंतरराष्ट्रीय मूल्य सबसे कम है। इसके बाद वियतनाम, सोमालिया, तुर्कमेनिस्तान जैसे देश आते हैं, जो अविकसित देशों की श्रेणी में आते हैं, जिनकी अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर है। विश्व में सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय व्यापार अमेरिका मुद्रा यूएस डॉलर में होता है। यूरोपियन देशों ने मिलकर एक मुद्रा का निर्माण किया, जिसका नाम है यूरो। अमेरिका मुद्रा यूएस डॉलर के बाद इस मुद्रा के माध्यम से सबसे ज्यादा व्यापार होता है। विश्व में सबसे अधिक मूल्य कुवैत मुद्रा का है। वस्तुओं की अदली बदली, सिक्कों का चलन और कागजी मुद्रा के बाद वर्तमान में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का उपयोग आम हो गया है। इन कार्ड्स को प्लास्टिक मनी भी कहा जाता है। किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का उपयोग किया जाता है। इससे खुले रुपए की झंझट खत्म हो गई है। बैंक डेबिट या क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराता है। कहीं भी कभी भी आपको नकदी की आवश्यकता हो तो आप 24x7 अर्थात 2400 घंटे एटीएम के द्वारा नकदी निकाल सकते हैं। वर्तमान समय में आप वस्तुओं को खरीदने के लिए
ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अर्थात मोबाइल बैंकिंग अथवा नेट बैंकिंग के माध्यम से भी वस्तुओं को खरीद सकते हैं। अर्थशास्त्र विषय को और अच्छे से समझने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को दिए हुए लिंक पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ मेरे YouTube चैनल को आप मोबाइल से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।